हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सन्नीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डिवीज़न ऑफ ब्रेन, कि मतलब ब्रेन के कुल कितने डिवीजन्स होते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेन के डिवीजन्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रेन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। इन साइंटिफिकली टर्म द फोर ब्रेन इज आल्सो नोन एज द प्रोसेंसेफलॉन, मिड ब्रेन इज आल्सो नोन एज द मेसेंसेफलॉन एंड हाइंड ब्रेन इज आल्सो नोन एज द रोमेंसेफलॉन। यू नो दैट द ब्रेन इज द एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसका मतलब यह है कि ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी के इक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। मतलब जब थ्री जर्मिनल लेयर से ये डेवलप हुआ था, तो उसमें से जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट था वो एक्टोडर्मल लेयर से हुआ था। तो अब आइए देखते हैं फोर ब्रेन के कुल कितने पार्ट्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, फोर ब्रेन को हमने कुल तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है ऑल्फैक्ट्री लोब्स, दूसरा है सेरिब्रम और तीसरा है डायनसेफलॉन। तो जो ऑल्फैक्ट्री लोब्स होते हैं ये आपकी बॉडी में सेंटर ऑफ सेंस का काम करते हैं। मतलब ये आपकी बॉडी में स्मेलिंग, सेंटर ऑफ सेंस ऑफ स्मेलिंग का काम करते हैं। मतलब आपकी नाक जो कुछ भी सूंघती है वो इन्हीं की वजह से सूंघती है। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में केवल दो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक है डॉग। डॉग्स के नाक्स के जो स्नाउट्स होते हैं उनके सेंटर ऑफ स्मेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस नाते हम डॉग्स का जो यूज होते हैं, हम आपने देखा होगा कुछ डिटेक्टर के तौर पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि डॉग्स के अंदर अलग अलग प्रकार के कई स्मेल्स को डिफ्रेंशिएट करने की कैपेबिलिटी होती है। और दूसरी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मेलिंग कैपेसिटी होती है वो है डॉगफिश यानी सॉर्ड, मतलब जिसको आप लोग कहते हैं शार्क। इन सार्क की जो स्मेलिंग कैपेसिटी होती है वो 60 किलोमीटर तक होती है। 60 किलोमीटर, जी हाँ बच्चों, 60 किलोमीटर सी में आज यहाँ से 60 किलोमीटर भले अगर कोई जीव ऑर्गेनिज्म जिसके हाथ से ब्लड गिर रहा और वो 60 किलोमीटर दूर अगर उसने वहाँ पे पानी ब्लड गिराया है, तो वो 60 किलोमीटर दूर से उस स्मेल को मैं स्मेल कर लेता है, क्योंकि उसकी नाक में विशेष प्रकार का ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, इसको मतलब एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कहते हैं। वो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को सीधे वो ब्रेन सिग्नल को भेजता है और वो उस पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन को पहचान जाता है कि मेरा शिकार कहाँ पर है। तो ऑल्फैक्ट्री लोब क्या है, सेंटर ऑफ सेंस ऑफ स्मेलिंग। दूसरा है बच्चों सेरिब्रम, ये आपके ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी आप जो कुछ भी इस वर्ड से जो कुछ भी सीखते हो, जिसको हम जो कुछ सीखना कहते हैं, हम बुक पढ़ना, हम कह लिखना, हम ABCD बोलना, हम यहाँ तक कि रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चन, साइंस के बारे में जो हमें इंटेलेक्ट जो क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ तक कि हम उसके बारे में जो थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो ऑल ऑफ थिंग्स ये सेरिब्रम होता है। आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टीन का सेरिब्रम जो होता है वो नॉर्मल ह्यूमन से करीब 17% बड़ा था। और यही वजह है कि एल्बर्ट आइंस्टीन को साथ सबसे बुद्धिमान सैनिकों में, वैज्ञानिकों में रखा गया है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, और ये आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये आपके ब्रेन के दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है। और जिन दो हिस्सों से आपस में इसको कनेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं कार्पस कैलोसम कहते हैं, जहाँ पर ये दोनों ब्रेन आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये है सेंटर ऑफ थिंकिंग, यहाँ पर आप सोच सकते हैं, सेंटर ऑफ रीजनिंग, पेन, टेम्परेचर, टेस्ट, हियरिंग, स्मेलिंग एंड एनालिसिस। मतलब आप जो कुछ भी खाते पीते हैं, नमक खाया तो नमकीन का स्वाद नमक क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ, ये किसमें चलता रहता है पूरा प्रोसेस। टेस्ट तो आपका ये जवान ने लिया, लेकिन उसकी स्मेलिंग, उसकी एनालिसिस यहाँ पे होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है जो फोर ब्रेन का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं डायनसेफलॉन। जो डायनसेफलॉन होते हैं वो दो रीजन से मिलकर बना होते हैं, एक थैलमस और एक होता है हाइपोथैलमस। थैलमस जो होते हैं वो आपकी बॉडी में हीट, कोल्ड, लाइट और प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मतलब कोई चीज़ गर्म है कितना गर्म है, कोई चीज़ ठंडा है कितना ठंडा है, या किसी आपके ऊपर अगर कोई, जैसे आप अगर बंद गाड़ी में घूम रहे हो और AC सब ऑन हो, तो आपको जो प्रेशर का फील होता है इट इज़ बिकॉज ऑफ थैलमस। और जो हाइपोथैलमस होते हैं ये आपकी बॉडी में इंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये हाइपोथैलमस जो होता है भी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड पूरे आपकी बॉडी के मास्टर ग्लैंड को क्या करता है, कंट्रोल करते हैं। मतलब आपकी बॉडी में ये हार्मोनल सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कौन, हाइपोथैलमस। तो चलिए बच्चों अब आ जाते हैं अगले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन बच्चों इसको हम लोग कहते हैं मेजन सेफलॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेजन सेफलॉन कहते हैं। मेजन सेफलॉन जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक लोब्स और दूसरे को कहते हैं क्रूरा सेरिब्रा। ऑप्टिक लोब्स जो होते हैं ये कुछ चार इनसे न्यूरॉन्स निकलती हैं, तो दो न्यूरॉन्स तो हमारी आंखों में चली जाती हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को साइट ऑफ विजन कह सकते हैं, हम किसी चीज़ को देख सुन सकते हैं, और दो नर्व मिल करके यूनाइट हो जाती हैं और वो चली जाती हैं हमारे ब्रेन के उस हिस्से में जिसको हम थर्ड ब्रेन कहते हैं या थर्ड आई कहते हैं। तो ये ऑप्टिक लोब्स के काम होते हैं। क्रूरा सेरिब्रा जो होता है वो इसकी एनालिसिस पावर को, यानी विजन ऑफ एनालिसिस को क्या करता है, एनालाइज करता है कि आखिर आप देख क्या रहे हैं, कलर सब कुछ पैटर्न के बारे में जो कि स्टडी करते हैं वो हम लोग यहीं से एनालिसिस करते हैं। ब्लू रेड जैसे किस कलर में क्या कलर मिला है कि कौन सा कलर प्रोड्यूस्ड होगा, कलर के इमेजिनेशंस को हम लोग यही एक्सप्रेस करता है। उसके बाद बच्चों हम लास्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, इसका नाम है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हम लोग रोम्बन सेफलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम्बन सेफलॉन कहते हैं। और रोम्बन सेफलॉन में जो सबसे मेजर पोर्शन होते हैं इनको भी हम तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं सेरिबेलम, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मेडुला। तो जो सेरिबेलम होते हैं ये आपकी बॉडी का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। ये सेकेंड लार्जेस्ट, यानी फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? आपका सेरिब्रम, और सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? आपका सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जो होते हैं ये आपकी बॉडी में क्या करते हैं? कंट्रोलिंग का काम करते हैं, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ बॉडी। यानी आप जब चलते हैं तो आपने देखा होगा आप केवल दो पैरों पर चलते हैं, कुछ जानवर होते हैं वो केवल चार पैरों पर चलते हैं। तो जो चार पैरों पर चलते हैं उनकी बैलेंसिंग सिस्टम आपकी बॉडी के बैलेंसिंग सिस्टम से ज़्यादा बेटर है। लेकिन आप सोचिए दो पैरों पर किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, तो वो बैलेंसिंग का काम कौन करता है? सेरिब्रम। ये आपने जैसे एक बार आपने देखा होगा बचपन में, अगर आपने साइकिल चलाया होगा तो जब साइकिल चलाया होगा तो गिरे जरूर होंगे। तो सोचिए एक बार जब कई बार प्रैक्टिस करते 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 आप ऐसी होगी कि आप उसी दो पहिए, सोचिए दो पहिए के साइकिल को ऐसे कुछ चला के छोड़ते हो अपने आप गिर जाएगा। लेकिन आप सोचिए उसी दो पहिए के साइकिल चला करके स्कूल आते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, दोस्तों के यहाँ जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी ने आपके बॉडी को इस प्रकार से बैलेंस किया कि जैसे अगर आप इस साइड गिरते तो आप हैंडल आप इस साइड घुमा देते हैं, अगर इस साइड गिरते तो इस साइड घुमा देते हैं, इस प्रकार से आप अपने आप को क्या कर लेते हैं? काउंटर बैलेंस कर लेते हैं। तो इसी नाते इसको हम लोग साइट ऑफ बैलेंसिंग भी कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कंट्रोल क्या करता है? वॉलेंट्री मसल्स टू द मेंटेन द बॉडी पोस्चर। यही आपकी बॉडी पोस्चर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो बॉडी पोस्चर में आप डांसिंग सिंगिंग और राइटिंग एक बार अगर आप सीख लेते हैं और ये अगर आपके सेरिबेलम में पहुंच जाता है तो आप आंख बंद करके भी वो काम कर सकते हैं। जैसे अगर आप साइकिल चला रहे हैं आँख बंद कर लीजिए तो क्या नहीं चला सकते हैं? कुछ दूर तो जा ही सकते हैं। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर लें, बचपन से लेकर लिखने तक की प्रैक्टिस हो गई है तो आपको आँख बंद करके राम श्याम मोहन सोहन आप कुछ भी आँख बंद करके लिख सकते हैं। तो ये एक बार कंट्रोल में सेरिबेलम में जाने की बात है। एक बार जब पूरी तरह से उस पर मसाब का कंट्रोल बन जाता है तो आप करने लगते हैं। डांसिंग, ये वॉल्यूम जैसे आपने देखा होगा डांसिंग करने के लिए हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो शुरुआत में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार आप स्टेप्स को जब फॉलो कर लेते हैं और उस पर आप दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जैसे ही वो बीट बजेगा तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ पैर उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। और ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है? सेरिबेलम। उसके बाद है बच्चों पोन्स वेरोलाइज का पूरा नाम है। पोन्स वेरोलाइज वैसे तो काम ये करता है कि हाइंड ब्रेन के थ्रू जो सिग्नल आते हैं उसको सेरिबेलम में ट्रांसफर करता है। इसलिए तो मैंने ये साइन बनाया होगा कि ये जो भी सिग्नल पोन्स के थ्रू आते हैं वो उसको सेरिबेलम में ट्रांसफर करता है और सेरिबेलम उसको अपने वॉलेंट्री नर्व द्वारा उसको क्या करते हैं? बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन पोन्स का भी अपना कुछ काम होता है। मैं आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद मुझे प्यास लग रही होगी, तो प्यास लगने की बात को कौन मुझे बता रहा है? वो करता है पोन्स। ये बॉडी में हिचकी को कंट्रोल करता है, वाटर अमाउंट को कंट्रोल करता है। कौन करता है? पोन्स। इसी नाते कहते हैं सेंटर ऑफ थ्रस्ट। जैसे ही आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो ये आपकी बॉडी में पानी पीने की जागरूकता को क्या कहते हैं? इंक्रीज करता है और वो आपकी बॉडी में हिचकी के रूप में प्रोड्यूस करता है। पोन्स वेरोलाइज। उसके बाद है बच्चों मेडुला ओब्लांगाटा लास्ट एंड। तो आपके बॉडी में जितने भी सारे इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी होती है, यानी हर वो चीज़ जो आप जिन्हें आप आपके बॉडी में बिना सोचा विचारा होता है उन सारे एक्टिविटीज़ को हम लोग इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी कहते हैं और जिनको सोच विचार के करते हैं उनको हम लोग वॉलेंट्रीज एक्टिविटी कहते हैं। तो आपके बॉडी में जो कुछ भी इनवॉलेंट्रीज एक्टिविटी होती है वो सब का कंट्रोलिंग सिस्टम कौन है? मेडुला ओब्लांगाटा मतलब आपका ब्रेन का हाइंड पोर्शन। और ये आपके हार्ट बीट्स, आपने देखा आप कभी कहते हैं ए हार्ट आ तुम 50 बार धड़को, धड़केगा?
आप जब सांस लेते हैं तो रात में सो जाते हैं, आपको खबर नहीं, तो लेकिन फिर भी आपका सांस फूलना पचकना चालू रहता है ना। अगर ये कंट्रोलिंग सिस्टम अगर आपके कंट्रोल में होता तो आप तो इतने बड़े भुलक्कड़ हैं कि आप सांस लेना भी भूल सकते हैं। तो बढ़िया, वो भगवान ने कुछ चीज़ों को, क्योंकि उसको पता है कि इंसान बहुत बड़ा आलसी है, इस नाते वो कुछ चीज़ों को आपकी आपके कंट्रोल में रखा है नहीं, जिसको हम लोग लाइफ सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, उन सभी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को आपके ब्रेन से अलग कर दिया, यानी यहाँ सेरिब्रम से अलग कर दिया, सेरिब्रम बेलम से अलग कर दिया, यहाँ से अलग कर दिया, और कहा कि ये कुछ चीज़ें ये इंसान की बॉडी में ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। तो कौन कौन सी एक्टिविटी, स्वालोइंग, आप खाना खाते हैं जो निगलने का प्रोसेस, अगर स्वालोइंग होता है तो आपके एलिमेंट्री कैनाल में जो पेरिस्लेटिक मूवमेंट होते हैं वो कंट्रोल करता है, हार्ट बीट्स, हार्ट का धड़कना, ब्रीदिंग, सांस लेना, रिफ्लेक्स एक्शन, जितने भी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन है, जो कोई टच किया तुरंत हाथ हटा लेना, जैसे आपने कोई चुटकुला सुना है तो आपने हंस देना, तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, आपका बॉडी का मेडुला ओब्लॉन्गाटा।